फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए जो होम रेमेडीज लेकर आई हूँ वो बहुत ही छोटे बच्चों के लिए हैं। ये एक काढ़ा है जो कोल्ड और कफ में खांसी, जुकाम, बुखार और पेट दर्द में बहुत ही असरदार है। ये बहुत छोटे जो बच्चे होते हैं, 1 से 5 साल तक के बच्चों के लिए ये बहुत ही अच्छा है। ये उन्हें ही ज़्यादा असर करता है। अक्सर प्रॉब्लम होती है कि जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो लगता है उन्हें ऐसी क्या घर की चीज़ें दें जो बहुत ही जल्दी वो ठीक हो जाए। तो उसी के लिए मैंने आज ये काढ़ा तैयार किया है, इसे आप घुट्टी भी बोल सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुकिंग रिपीट। तो चलिए तैयार करते हैं इस होम रेमेडी को। सबसे पहले गैस को ऑन कर दिया है और उसके ऊपर रखा है एक बर्तन और इसमें हमने लिया है 1 गिलास पानी। तो इस 1 गिलास पानी को हम इसमें गर्म कर लेंगे और इस काढ़े में हम केवल 2 चीजों से तैयार कर रहे हैं इसको। तो हमने ली है अजवाइन, अजवाइन जो कि सभी के घर में अवेलेबल होती है और ये जो घर की चम्मच है इसी से मैं आपको नाप कर बता रही हूँ। तो ये अजवाइन है, जो अजवाइन बहुत ही गर्म होती है, सर्दी में, खांसी जुकाम में बहुत ही असरदार होती है। तो ये 1 चम्मच अजवाइन हम इस पानी में डाल देंगे और इसको उबलने देंगे। इसको हमें इतना उबालना है कि ये पानी हमारा केवल आधा कप रह जाए, बहुत ज़्यादा ना हो, केवल हमें इसे आधा कप रखना है। तो हम इसे बहुत ही अच्छे से बॉईल कर लेंगे। मैंने पहले भी एक काढ़े की रेसिपी डाली थी जो कि सर्दी जुकाम के लिए बहुत ही अच्छी है और आप सबके जो रिव्यूज थे उस पर बहुत ही अच्छे आए, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम थी कि बड़े लोग ही उसे ले सकते हैं, छोटे बच्चे उसे नहीं ले सकते। तो आप सभी की बहुत रिक्वेस्ट थी कि छोटे बच्चों के लिए कुछ ऐसी होम रेमेडीज जो बच्चों को बहुत जल्दी असर करे और उनसे उसको कुछ नुकसान भी ना हो। तो मैंने ये काढ़ा, या इसे आप घुट्टी भी कह सकते हैं, अजवाइन की घुट्टी भी बोलते हैं इसको, आप इसे 1 से 5 साल तक के बच्चों को दिन में 2 बार दे सकते हैं। आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि मैं लास्ट में इसमें बताऊंगी कि किस एज के बच्चे को कितना इसको देना है। तो देखिए, यहाँ पर अजवाइन ने अच्छे से अपना पूरा असर छोड़ दिया है, पानी अब काफ़ी कम हो गया है उबलते हुए। तो हमें इसे इतना पकाना है कि ये आधा कप रह जाए। तो अब हमने उसी चम्मच में लिया है गुड़, तो 1 चम्मच गुड़ हम इसमें डालेंगे। इस समय पर गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है और अब हम इसमें डाल रहे हैं गुड़। गुड़ को हम अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। तो ये जो काढ़ा है, बच्चों को आप ड्राई कफ, वेट कफ और जो हल्का फुल्का बुखार हो जाता है उसमें भी आप इसे दे सकते हैं। ये दोनों में बहुत ही असरदार है और सबसे खास बात है आप इसे सर्दी में, गर्मी में, बरसात में कभी भी इसे दे सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि सर्दी में ही आप इसे पिलाएं या गर्मी में ही पिला सकते हैं, नहीं, सर्दी, गर्मी, बरसात कभी भी आप ये छोटे बच्चों को दे सकते हैं। तो अब हम इसे छान लेंगे जब इसमें गुड़ मिक्स हो गया है। तो हम इसे कप में छान लेते हैं। तो देखिए, जब मैंने इसे कप में छाना है तो ये बिल्कुल आधा कप बचा है। तो इसी तरह से हमें इसे पकाना होगा और हमें जो छोटे बच्चों को इसे देना है तो हमें इसे हल्का गर्म देना है, ल्यूक वार्म देना है, बहुत ज़्यादा गर्म हमें नहीं देना है। और इस काढ़े को बनाने में या गुट्टी को बनाने में देखिए केवल 2 चीज़ों का यूज़ हुआ है और घर में अक्सर अवेलेबल होती है ये दोनों चीज़ें और ये काढ़ा बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो आप बहुत छोटे बच्चों को, 1 से 5 साल तक के बच्चों को इसे आराम से दे सकते हैं। आप दिन में 2 से 3 बार बच्चों को दे सकते हैं और जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, 1 साल के बच्चों को, तो आप इस तरह से देखिए, मैं चम्मच में दिखा रही हूँ, 1 टीस्पून ही आप उसे दिन में 2 बार दें और उससे बड़े बच्चों को आप उसके आधा आधा चम्मच की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो 5 साल के बच्चे को आप करीब 3 चम्मच काढ़ा एक बार में दे सकते हैं और जो बड़े लोग हैं, 15 साल के, 8 साल के बच्चे को आप आधा कप, 1/4 कप दे सकते हैं दिन में 2 से 3 बार। और बड़े लोग जो बच्चे हैं, बड़े हैं, तो वो भी आधा कप इसे दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं। तो ये खांसी जुकाम में बहुत ही फायदा करता है। जो बलगम जम जाती है ना बच्चों को, कफ सीने में जमा हो जाता है, उसको भी ये निकालने का काम करता है। तो बहुत ही आसानी से जमी हुई कफ को भी ये निकाल देता है।
अगर बच्चों के पेट में दर्द है तो आप उसमें क्या करें, आप उसमें गुड़ नहीं डालना है। तो जब हमने इसे बॉईल किया है तो उसके बाद इसमें डालना है 2 चुटकी काला नमक और फिर आप उसे 1 चम्मच बच्चे को पिलाएं। तो उससे क्या है कि बच्चों के पेट का दर्द भी ठीक हो जाता है, उन्हें गैस भी नहीं बनती है, तो छोटे बच्चों के लिए बहुत ही इफेक्टिव काढ़ा है। तो फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। तो चलिए, आप इसे तैयार कीजिए, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए और वीडियोस को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप इसे फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे इसी तरह की नई और इजी रेसिपी के साथ।